गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टीच यू अबाउट अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्टे करेंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर बट लॉन्ग स्टेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। Then it is optional because this derivation is not belonging from NCERT book. It is additional. Here is current carrying conductor PQ. Let current is going in this direction and we have to find out magnetic field intensity due to this conductor at this point r. Its distance is x from PQ. Now P and Q match phi 1 and phi 2 angle respectively from r. Phi 1 and this phi 2. Let RS is rotated by d phi angle. This is d phi. For phi t. This RT is rotated by d phi angle. Now UT is VL. This is a small length. We draw a perpendicular from P on RU. This is VT. Let this angle is theta. Student PQ is long straight conductor with current I left at point R. Magnetic field is to be calculated RS make angle phi 1 and phi 2 from P and Q. Let RT make an angle
5 pounds. RS and RT is rotated by D phi angle. VT is perpendicular from D, perpendicular to U R from D. इसको एक बार आप समझ लें फिगर को. देखिए इट मीन्स ये पी क्यू कोई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है. पॉइंट आर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है. हमने क्या किया, आर से ये आर एस आपका कंडक्टर को मिलाना है जो एक्स डिस्टेंस. पॉइंट आर, ये जो आर एस है वो बी और क्यू से कम से फाइव वन और फाइव टू एंगल फॉर्म कर रहा है. अब हमने एक पॉइंट टी लिया, जो आर टी को मिलाने वाली जो लाइन है वो आर एस से फाइव एंगल बना रही है. हाँ, अब हमने इस आर टी को डी फाइव एंगल घुमा दिया. ये पॉइंट टी चल करके यू पे आ जाता है. हमने टी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, वीटी परपेंडिकुलर हो गया. अब देखो यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, यूजिंग बायो सावर्ट लॉ equal angle. Now d phi and vt equal rt d phi and rt equal small r d phi. Hence substituting the value of dl sin theta, this is dl sin theta equal vt equal r d phi. dp equal mu naught upon 4 pi I r d phi upon r square. अब देखो यहां आप x by r in triangle RST x by r based by happiness equal cos theta in cos phi r equal x by cos theta.
यहाँ आप देखो एक आर कैंसिल हो जाता है, आई डी फाइव बाई आर बचता है, मतलब बीवी पर म्यू वन अपॉन फोर पाई आई डी फाइव अपॉन आर, और आर की जगह एक्स बाई कॉस पाई रखा है, मिलता है बीवी पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई बाई एक्स कॉस पाई डी फाइव। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया है, बी पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई एक्स आर आई बाई एक्स इंटीग्रल कॉस पाई डी फाइव, कहां से कहां तक इस होल कंडक्टर के कारण माइनस फाइव वन टू प्लस फाइव, माइनस फाइव वन टू फाइव। जो कॉस फाइव का इंटीग्रेशन होता है साइन फाइव, कॉस फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव, बी पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई एक्स साइन फाइव माइनस फाइव वन टू फाइव, इट इज साइन फाइव म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई एक्स साइन फाइव टू माइनस साइन माइनस फाइव वन, इट इज माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई एक्स साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। दिस इज फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। देखो अगर ये लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर मान लो इनफाइनाइट लेंथ का है, इफ PQ tends to infinite, infinite length has conductor, अगर इसकी लेंथ infinite है तो phi one ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा 90 डिग्री, और फाइव टू भी 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू वन होती है और आपको मिल जाएगा बी पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90। वन प्लस वन टू और बी पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई बाई एक्स। इस टाइम दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करेंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। दिस डेरिवेशन कैन बी दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन फाइनाइट लेंथ के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं निकाल सकते जैसा कि यहां हमने निकाला हुआ है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये फॉर्मूला आपको एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाला जा सकता है। एक बार आप समझ रहे पीक्यू इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पीक्यू जो है लंबा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे एक्स दूरी पर कोई पॉइंट आर है जहां हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये आरएस रेखा बी और क्यू से क्रमशः फाइव वन और फाइव टू एंगल फॉर्म करती है। हमने क्या किया, कोई पॉइंट टी ले लिया इस तरह से कि आर टी आरएस से फाइव को एंगल बना रही है। अब इस आर टी को हमने डी फाइव एंगल घुमा दिया, ये पॉइंट टी यू पे पहुंच जाता है। ये मान लो आर यू जो है इस पी क्यू से थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने क्या किया पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया।
अब ये डीएल लेंस के कारण इस प्राइम में जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगी, बायो सावर्ट का यूज करने पे म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। डीएल साइन थीटा इस ट्रायंगल में हाफ टेनस इनटू साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर, तो डीएल साइन थीटा वीटी के बराबर हो जाएगा। अब देखो आर्क बाई रेडियस इक्वल एंगल, मैंने वीटी बाई आर इक्वल डी फाई मीन्स वीटी इक्वल आर डी फाई, ये मिलता है। अब हम फार्मूले में रख सकते हैं म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई आर डी फाई अपन आर स्क्वायर। अब आर को हम एलिमिनेट करें, एक नीचे आर बच जाएगा आप, तो इस एंगल को अगर हम लोग लेते हैं तो बेस बाई हैपीनेस एक्स बाई आर इक्वल कॉस फाई मीन्स आर बराबर एक्स बाई कॉस फाई मिलता है। ये आर की जगह हमने एक्स बाई कॉस फाई रख दिया है। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस फाइव वन से लेकर प्लस फाइव तक, तो कॉस फाइव का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन फाइव होता है, ये साइन फाइव माइनस फाइव वन प्लस फाइव प्लस फाइव। अब यहाँ आप देखिए साइन माइनस फाइव साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपको मिल जाता है। अब मान लो ये वायर कोई इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये जो फाइव टू और फाइव वन बनेगा ये लगभग 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ साइन 90 का मान वन होता है, इसमें ये भी 90 ये भी 90, तो वन प्लस वन ये टू मिल जाता है और आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है म्यू जीरो पॉइंट फोर बाई टू आई बाई आर मीन्स टू आई बाई एक्स। तो ये रहा आपका बायो सावर्ट लॉ का अगला एप्लीकेशन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमपीएफ सर्किटल लॉ पार्ट टू डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।